बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि हम इंटरेक्शंस को कैसे जो है वो कन्फाउंड करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट एक्सपीरियंस शोज दैट हायर ऑर्डर इंटरेक्शन आर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट एंड मीनिंगलेस टू। एक बात तो बड़ी वाजिया है कि जो हायर ऑर्डर इंटरेक्शन होते हैं, जिसमें काफ़ी फैक्टर जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन करना चाहें तो वो इतनी रीजनेबल नहीं होती, इतनी मुनासिब नहीं होती, और अक्सर वो क्या होती है, मीनिंगलेस होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उन्हीं इंटरेक्शन को कन्फाउंड करते हैं जो हायर ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, उनकी उनमें चूंकि कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। दैट्स वाई we often confound them, but it should be noted that the unnecessary interactions or the interactions which are useless depending on the experiments are confounded usually. अमूमन यूं होता है कि जो experimenter होता है उसे पता है कि कौन सी जो interactions है वो useless है, यानी कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि उनकी आपस में जो इंटरेक्शंस है वो कोई खास रिजल्ट जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रही होती, तो इसीलिए आप उस इंटरेक्शन को क्या कर लेते हैं, कन्फाउंड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, हियर अ क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट विल बी द सीन, व्हाट विल बी द सिनेरियो इफ वी कन्फाउंड सम इंटरेक्शंस, के जब हम किसी इंटरेक्शंस को कन्फाउंड करने की ठान लेते हैं, जब उसे कन्फाउंड करने का सोच लेते हैं, इरादा कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या सीन होगा, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद सिनेरियो क्या होगा, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल, वी कन्फाउंड द इंटरेक्शन ए बी सी, हम इस इंटरेक्शन को कन्फाउंड करना चाहते हैं, तो इसको कन्फाउंड करने से हमें क्या मिलेगा, ठीक है, आगे क्या सीन होगा, इसके मुतालिक हम आपको बताते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं कि ए बी सी को हम कन्फाउंड करना चाहते हैं, ठीक है, अब इसके आगे सीन क्या होगा, इसके आगे अब सिनेरियो क्या होगा, इसके बाद आप क्या महसूस करेंगे, क्या रिजल्ट्स आएंगे। सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन दैट ऑन ईच कन्फाउंडेड इंटरेक्शन, अगर आप किसी इंटरेक्शन को कन्फाउंड करना चाहते हैं तो क्या होगा, देयर मस्ट बी द ब्लॉक डिफरेंस, तो आपको ब्लॉक डिफरेंस जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको दो डिफरेंस ब्लॉक बनाना पड़ेंगे। एक्चुअली ब्लॉक डिफरेंस इज द रिजल्ट या ब्लॉक डिफरेंस इज द कंक्लूजन ऑफ कन्फाउंडिंग एनी इंटरेक्शन, यानी जब आप किसी इंटरेक्शन को कन्फाउंड करते हैं तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, ब्लॉक डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, एंड देयर इज वन टू वन करेस्पोंडेंस बिटवीन देम, ये नहीं इसके दरमियान बकायदा वन टू वन करेस्पोंडेंस आएगी, एक तरफ इसके दरमियान एक कनेक्शन है, एक एसोसिएशन है। ठीक है, इट कैन नेवर हैपन, ऐसा नहीं हो सकता दैट यू कन्फाउंड्स एन इंटरेक्शंस, कि आप किसी इंटरेक्शंस को कन्फाउंड कर लें एंड देयर विल बी नो ब्लॉक डिफरेंस, और वहां पे किसी किस्म का ब्लॉक डिफरेंस जो है वो आपके सामने जो है वो मंजरियाम पे ना, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी आप किसी इंटरेक्शंस को कन्फाउंड करेंगे, रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, ब्लॉक डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, टू अंडरस्टैंड this philosophy, to understand this logic, I simply say that ABC confounded is an input, कि ABC को जब आप confound करते हैं तो ये एक input है, and the block difference is an output, और इसका जो output है, इसका जो results क्या होगा, आएगा वो in terms of block difference आएगा। ठीक है, और ब्लॉक डिफरेंस इज द रिस्पॉन्स ऑफ कन्फाउंडेड इंटरेक्शंस, यानी जब आप किसी इंटरेक्शंस को कन्फाउंड करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, ब्लॉक डिफरेंस मिलता है, एंड नो वन कैन सेपरेट देम, और फिर इसको आप जो है वो सेपरेट जो है वो नहीं कर सकते हैं। जिस इंटरेक्शंस को आप कन्फाउंड कर लेंगे उसको फिर बाद में आप सेपरेट जो है वो नहीं कर सकते। सो वी कैन एक्सप्रेस द डिस्कस्ड फिलॉसफी इन सच अ फैशन, एक स्टाइल से जो है हम आपको इस फिलॉसफी को जो है वो समझने में आपके लिए आसानी पैदा करते हैं। ऐसा करते हैं, हम ए बी सी को कन्फाउंड करते हैं, तो इसके बदले में आपने क्या ऑब्जर्व करना है, ब्लॉक डिफरेंस जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, यानी ए बी सी कन्फाउंडेड इज इक्वल टू ब्लॉक डिफरेंस। ठीक है, आइए इसको जरा इंटरप्रेट करते हैं। इट मीन्स ए बी सी इज कन्फाउंडेड विद द ब्लॉक डिफरेंस, मतलब आपने ब्लॉक डिफरेंस के साथ जो है वो ए बी सी को कन्फाउंड किया, यानी अगर आप ए बी सी को कन्फाउंड करना चाहते हैं तो ब्लॉक डिफरेंस के साथ जो है ये कन्फाउंड हो सकता है, इसके अलावा आप इसको कन्फाउंड
नहीं कर सकते। और आप ये भी कह सकते हैं द अफेक्ट ऑफ ए बी सी इज मिक्स्ड अप विद ब्लॉक डिफरेंस, के जो ए बी सी का अफेक्ट है वो ब्लॉक डिफरेंस के साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया, मर्ज हो गया, ठीक है। और आप एक और स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि ए बी सी इज कन्फाउंडेड बिटवीन द ब्लॉक्स, के ए बी सी जो है वो ब्लॉक्स के इन बिटवीन क्या हो गया, कन्फाउंड हो गया, एंड हेंस दे आर इनसेपरेबल, इसलिए आप इसको अब सेपरेट जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या हो गया, उससे मिक्स्ड हो गया, ठीक है। आई वुड लाइक टू समराइज द डिस्कशंस बाय अ सिंगल स्टेटमेंट दैट कन्फाउंडेड ऑब्जेक्ट्स या कन्फाउंडेड इंटरेक्शंस कैन नेवर बी रिगेन्ड। अगर आप किसी इंटरेक्शंस को कन्फाउंड कर देते हैं तो आप उसको रिगेन नहीं कर सकते, आप उसका अफेक्ट नहीं देख सकते, ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि आप उसकी जो है वो कुर्बानी दे चुके होते हैं, ठीक है। यानी जिसको कन्फाउंड कर दिया उसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन आपके हाथ से चली गई, ठीक है। इसीलिए हम सोच समझ के इंटरेक्शन को जो है वो क्या करते हैं, कन्फाउंड करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि अगर इसके मुतल्लिक हम इंफॉर्मेशन अगर लूज भी कर जाते हैं, अगर हमसे चली भी जाती है तो आपके एक्सपेरिमेंट में जो है वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई वी कैन नॉट सी द अफेक्ट ऑफ कन्फाउंडेड इंटरेक्शन, इसीलिए हम जिस इंटरेक्शन को कन्फाउंड कर देते हैं उसका अफेक्ट जो है हम नहीं देख सकते। तो ये इंटरेक्शन को कन्फाउंड करने की फिलॉसफी, डियर्स आई एक्सपेक्ट कि आप जो है उसको समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामुअलैकुम।